के नाम में आप सबको बिशप पोल की तरफ से और फरजाना पॉलिस की तरफ से सलाम हम खुदा उनका बेहद शुक्र अदा करते हैं आज के इस नए दिन के लिए इस नए मौका के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है आपकी जिंदगी में बख्शा है कि हम एक नया प्रोग्राम आपके सामने ला सकें मेरे अजीजों खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई जिंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बक बरकतों के लिए बख्शों के लिए जो उस मालिक की तरफ से हैं वो बड़ा रहीम है वो बड़ा करीम है वो बड़ा अजीम खुदा है वो बादशाहों का बादशाह है वो खुदाबंदों का खुदा है वो कादर मुतलिक है वो हशमत के लायक है वो बुज़ुर्गी के लायक है मेरे अजीज़ों हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसकी परसिश करें उसकी साइश करें हम उसका नाम लें उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें मेरे अजीजों आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ और नए मेहमानों के साथ आपके पास हाज़र हुए हैं जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में इसका नाम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट है जिसका मतलब है मसीह के शागिर्द हम सब जो है वो मसीह के शागिर्द हैं हम सब जो है वो मसीह के गवाह हैं हम एक नए प्रोग्राम के साथ आज हाजिर हुए हैं और ये आप जैसे कि जानते हैं कि गुड शेपर टेलीविजन पर आपके सामने पेश किया जाता है इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का आगाज करें आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें खुदा खाते मतलब आसमानी बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसम सि नासरी के नाम से जो सब नामों से आला और अफजल है शुक्र अदा करते हैं ऐ खुदान् के तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज फिर इकट्ठे हो सकें आज फिर ऐ खुद तेरी तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें ऐ खुदा खुदा इस सारे प्रोग्राम को मैं तेरे हाथ में देता हूँ सारे मेहमानों को तेरे हाथ में देता हूँ अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ तेरी बंदी फरजाना पॉलूस को खुदा तेरे हाथ में देता हूँ ए खुदा हमारी बड़ी मदद और रहनमाई कर ए खुदा एक एक जिंदगी के साथ हो एक एक जिंदगी को बरकत दे और खुदा जो सुनने वाले हैं जो देखने वाले हैं इस प्रोग्राम को खुदा उनको छू और मश कर बरकत दे उनकी जिंदगी में बड़ा काम कर ए खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा उनको बरकत मिले जहाँ जहाँ कहीं भी खुदा मुल्क पाकिस्तान के जिस भी शहर में लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ए खुदा उनको छू और मशक बरकत दे और ए खुदा खुदा मिन्नत करता हूँ पूरी दुनिया में जिस भी मुल्क में खुदा तेरे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं खुदा मिन्नत करता उनको छू और मस्क और बरकत दें सारे प्रोग्राम में हमारे साथ होना बड़ी मदद और रहनुमाई करना तेरे पाक और मुकदस ये नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं आमेन आमेन आए हम चलते हैं खुदा के अजीम खादम पास्टर नज़ीर मसीह की तरफ आ, हम आपको अपने शो पर और चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं शुक्रिया बशफ आलूस साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं थैंक यू जी बहुत शुक्रिया जी भाई साहब आपको आ, बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं और हम चलते हैं दूसरे भाई की तरफ ब्रदर मैथ्यू हमारे साथ मौजूद है हम आपको भी चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम पर खुश आमदीद कहते हैं शुक्रिया सर और मेरी तरफ से आपको सबको सलाम जी सलाम मैं शुक्र अदा करता हूँ आपका और सिस्टर जी का आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया ताकि हम आपसे गुफ्तगु कर सकें थैंक यू जी थैंक यू जी प्रधान जी इसके साथ ही हमारे साथ हैं सिस्टर शमा नाज हम आपको भी वेलकम करते हैं अपने शो में और बहुत शुक्रिया आप, आप हमारे शो में आएं इसी तरह हम आपके साथ मिलके के खुदा उनकी गुफ्तु कर सकें थैंक यू जी हमारे साथ हैं भाई अब्दिया जॉन हम उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो में बहुत शुक्रिया भाई आप हमारे शो में आए थैंक यू सबसे पहले खुदा आपके शुक्र गुजार हैं कि उसने ये दिन देखना मैंने नसीब किया उसके बाद आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया वेलकम जी।, जी हम इसके साथ ही बिशप साहब की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी हम चलते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ खुदा के खादम पास्टर नज़ीर मसीह हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा डिटेल से तारफ़ कराएं किस चर्च के साथ आपका ताल्लुक है किस इलाका से हैं और आपके फैमिली के बारे में बहन भाई और आपका अबाई इलाका मेरा नाम पशनसी है जी और मैं इस्लामाबाद के इलाका इकबाल टाउन में खिदमत कर रहा हूँ जी और सोल विनर फेथ चर्च इंटरनेशनल के साथ में मिलकर खिदमत कर रहा हूँ और मेरे पाँच बच्चे हैं जी हम चार भाई हैं दो बहनें हैं जी। और हमारा जो अबाई इलाका है वो ज़िला नारवाल से हम तल्लक रखते हैं हाँ लीलिया जिला नारवाल से तो भाई साहब ज़िला नारोवाल में आप पैदा हुए वहाँ पर आप परविश भी आपकी वहीं पर हुई जी बिल्कुल यकीन आप बाद में यहाँ पे आए होंगे जी बिल्कुल हाँ जी तो आप हमें बताएं कि आपका बचपन जो था वो कैसा था बचपन में आप शरारतें किया करते थे या बहुत दुआगो थे संजीदा थे चर्च में जाते थे या नहीं जाते थे कैसा आपका बचपन गुजरा जब बचपन की आप बात जानना चाहते हैं जी तो शरारती लड़का मैं नहीं था आप नहीं थे बिल्कुल नहीं था और जो लड़ाई झगड़े की चीजें हैं या ऐसी चीजें जिससे किसी का दिल दुखे इससे मेरा कोई तलक नहीं था और जहाँ पर खुदा को जानने या खुदा के घर में जाने की बात है तो हमारी थी मैं और मेरा बड़ा भाई बेटे मैथ्यू के जवाल थे जी। हम रोजाना सुबह उठते पहले हमने इबादत में नाश्ते से पहले अच्छा और हमने डेली की रूटीन थी के इसके बग़ैर हमारा नाश्ता नहीं होता था अच्छा। हमने पहले ये करना है फिर हमें नाश्ता करना है स्कूल जाना है फिर घर की जो, जो जिम्मेदारियाँ थी भैंसें थी चारा डालना वो सारा काम ज़िम्मेदारी के साथ और ये भी हम बड़ी अपनी खुशकस्मती की बात समझते हैं कि बेशक हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे खुदा उनमें सो गए हैं लेकिन वो इस बात को फ़्रिया अंदाजे बयान करते थे कि हमारी जो औलाद है कभी इनकी बात से गुफ्तगु से शरारतों से या कोई और ऐसे अमल जिनकी वजह से हमें रिश्तेदारों में बहन भाई में नदामत उठाना पड़े जी। हम इस लिहाज से अपने माँ बाप के लिबास से फ़खर थे और हम हर रोज़ हम खुदा के जुर्मी झुकते और हमारे लिए एक बड़ा नमूना थी हमारी वाला वो सोने से पहले हम जितने बहन भाई थे हमें अपने साथ बिठाती बिस्तर पर और वह दुआ करती हमारे लिए और ये रूटीन ऐसी हमने उनसे सीखी ये आदत उनसे अपनाई और हम हर रोज़ उनके साथ मिलकर दुआ इबादत करते और जब मैट्रिक के बाद इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ चौरानवे को मैं इस्लामाबाद आया और फिर उस वक्त से अब तक ये रूटीन है और शायद कोई महीने में कोई एक आध दिन गुज़रे शायद जिसमें डेली दुआ ना हो और जब मैं ख़िदमत में नहीं भी था गांव में भी और इधर इस्लामाबाद में भी तो उस वक्त भी यही रूटीन थी और मार्च 2002 से मैं प्रॉपर फिर खुदा में हूँ और ख़िदमत कर रहा हूँ और पाँच अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह को बाकायदा तौर पर मैं पास्टर बना और अब तक खुदा की खिदमत कर रहा हूँ आमीन आमीन तो बचपन में आपने बताया कि बचपन से आप दुआगो थे आप और आपके भाई जो थे आप कितने बहन भाई आपने बताया हम चार भाई हैं दो बहने चार भाई दो बहने तो सिर्फ दो भाई जो थे वो ज्यादा थे बाकी नहीं थे बकिया जो बड़े थे ना वो इतना खुदा प्रस्त नहीं थे अच्छा अच्छा। ठीक है तो मुझसे जो बड़े है वो बेशक मुझसे बड़े थे वो अब तक भी वो इतने ज्यादा खुदा में मजबूत नहीं है आप, आप उनके लिए दुआ तो करते होंगे की वो भी खुदा में ज्यादा से ज्यादा आए ख़मत में आने से पहले भी जब मैंने अपनी निजात को खुदा से लिया और मैं समझा कि अब मैं बच गया हूँ तो मुझ पर भारी जिम्मेदारी है कि अब मैं अपने ख़ानदान के लिए बहन भाइयों के लिए इवन दैट साल फैमिली के लिए भी क्लिसिया के लिए तो अलग बात है बात दुआ करना लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए के बड़ा दर्द रखता हूँ और मैं इस बात के लिए ख़ुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि लास्ट दो तीन साल से खुदा मुझे इसका जवाब दे रहा है फैमिली याद रखें जी। जो निजातर नहीं है खास उनके लिए वो भी निजात पाए वो भी खुदा के करीब आए आमीन जी जी। तो आपने बताया कि आप उस वक़्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक आप दुआ नहीं करते थे तो ये मतलब आपकी वाले था कि आप जब तक दुआ नहीं कर लेंगे सुबह की उस वक्त तक आपको नाश्ता नहीं मिलेगा जी जब हम लड़कपन में आए तो उस वक्त जैसे मैंने पहले बात की है एक रूटीन थी हमारी वालदा की कि हमें हर रोज़ वो लेकर बैठती बिस्तर पर दुआ करती और हमारी वालदा की ये रूटीन थी और उनको देख कर हमने इस आदत को अपनाया और फिर हमारे जहन में हमारी ज़िंदगी में बात बैठ गई कि हमने इसके अलावा दिन के कामों का आगाज नहीं करना प्रेज द लॉर्ड ये कितनी अच्छी बात है नाजरीन के बचपन से ही खुदा को याद करते आए उनके जो वालदेन थे आ, वो इनको साथ लेकर बैठते थे और दुआ किया करते थे हर रोज़ सुबह सुबह इबादत किया करते थे जिनकी वजह से इनकी भी वो आदत बन गई और आज तक ये आदत जो है वो कायम है आले लिया द लॉर्ड तो पाति साहब आप ये बताइए कि आपका बचपन आपने बताया कि इतना ज़्यादा शरारती नहीं था ठीक है आप दुआ किया करते थे आ, आ, चर्च भी जाया करते थे जी बिल्कुल हमारे गांव में तो चर्च बिल्डिंग नहीं थी जब हम हाई स्कूल में गए तो जहां पर जिस स्कूल गांव में हम जाते थे वहां पर वो उस वक्त जुमे की छुट्टी होती थी जुमे की छुट्टी होती लेकिन वो संडे को जब चर्च लगता तो वो पादी साहब थे उन्होंने खास जो हैड मास्टर साहब थे हमारे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जितने क्रिश्चन लड़के हैं उनको इबादत के लिए वक्त दिया जाए तो हम शुक्रगुज़ार हैं खुदा को बड़े फ़जल के लिए कि हेड मास्टर के जहन को बदला और उन्होंने हमें इजाज़त दी और एवरी संडे हम जाते और इस तरह हम खुदा की इबादत करते और जो मजहबी त्यौहार होते थे जैसे क्रिसमस क्या मतलब तो उसमें तो हम जाते थे जी जी इस तरह हम खुदा के साथ बढ़ते रहे आमीन आमीन शुरू से आपको कैसे आ, आपकी जो वालदा थी वो दुआ तो करती थी जी जी ठीक है तो कलाम की आपको कैसे पहचान हुई कलाम के बारे में कि जैसे खुदादसु मसी ज़मीन पर इंसान बन के आए पैदा हुए और सलीब पर कुर्बानी दी शुरू से आपको कैसे इस चीज़ की पहचान हुई आप कलाम सुनते थे खादमीन को वादी साहबान को सुनते थे आपके जेन में क्या आता था कि आप मजहब के बारे में अपने ईमान के बारे में क्या बातें जो आपके जेन में चलती थी बिशफ साहब जब हम बचपन में थे जी तो हम जब हर रोज़ सुबह गीत गुर गाते जी। और हम फिर दोनों भाई कलाम के जो सहीफे थे हम उनको पढ़ते जाते पढ़ते थे और इस तरह वो उस वक्त हमें बड़ी कलाम की समझ नहीं थी समझ बड़ी निजात की समझ नहीं थी लेकिन ये था कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए हम कलाम को समझते गए और मेरे लिए एक बड़े फख्र की बात है और आपके लिए भी शायद हैरानगी की बात होगी और खुदा का बड़ा फजल है कि कलाम की जो आयात हैं, मुझे बहुत ज्यादा हिफ्स होती थी और इवन दैट जुबानी याद करते थे मैं क्योंकि मैं मेरी बाइबल स्टडी बहुत ज्यादा थी अच्छा और एक, एक वक्त था कि जब मैं एक दिन में पचास पचास बाब बाइबल के पढ़ता पचास बाब जी एक दिन में आप पढ़ जाते मेरी बाइबल स्टडी बहुत ज्यादा थी और इसकी वजह क्या थी इसकी वजह सर ये लगाव था खुदा के साथ लगाव था और कलाम को जितना पढ़ा जाए तो उतना ज्यादा जहन में बैठता है बिल्कुल एक बड़ा फजल भी था और यहां तक भी बात आ जाती कि मेरे जो सीनियर पास्टर्स थे जो दूसरे मेरे खाद मेरे साथ खिदमत करते थे हम तो वो कभी कभार मुझे फ़ोन करते बल अक्सर उकात करते को फ़ोन पर पूछते जी फलां हवाला कहाँ पर लिखा है तो बिना बाइबल खोले मैं अगर मार्केट में हूँ जॉब पर हूँ कहीं चलता जा रहा हूँ तो मैं उनको फ़ोन पर ही बता देता कि फ़लां बाब का हवाला फलां बाब ने लिखा है और आज भी ये सिलसिला चल रहा है और मेरे जो सीनियर थे पाद साहब तो वो कहते थे कि ये हमारे ए, ए वो क्या कहते हैं कंप्यूटर पादरी हैं कंप्यूटर पास्टर हैं जी कैंप वाले जो वो जबानी याद होते जो भी मतलब रात के पहर में दिन में कहीं पर भी उनको जरूरत पड़ती वो मुझे फोन करते और शायद कुछ दो महीने बाद तीन महीने बाद कोई ऐसा वाला हो कि मैं कहता हूँ अच्छा मैं चंद मिनट बाद बताता हूं वरना कोई भी वाला होता तो टिक करके मैं उसी वक्त और लोग मुझसे पूछते के पाद साहब इसकी क्या वजह है हमें ये ट्रिक बताएं कि आपको हवाले कैसे याद रहते हैं मैं कहता है एक तो खुदा की मेहरबानी है और दूसरा यह है कि आप जितना ज्यादा बाइबल स्टडी करेंगे जितना ज्यादा कलाम पढ़ेंगे उतनी बातें आपके जहन में बैठ जाएंगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि फलां आयत फलां किताब में लिखा है मैं इसकी मिसाल सादा से देना चाहूंगा जो बच्चे ज्यादा अपनी किताबें पढ़ते हैं स्टूडेंट्स जी तो उनको पता होता है कि ये सवाल ये बात

आप फैमिली में से कोई था जो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ता था या कोई ख़ास बात जिसने आपको छुआ टच किया मैं नहीं समझता कि बग़ैर किसी वजह के कोई इतनी ज़्यादा बाइबल पढ़े डेली रूटीन में पचास बाप पढ़ जाते थे और आयात को बाकायदा जो है वो जेन नशीन करते थे तो कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको ये करने पर मजबूर किया सबसे पहला आपका जो सवाल है कि क्या आपकी फैमिली में से था या आपको आपने किसी को देखा तो इस वजह से आप इस तरफ मतवजे हुए जी। ऐसी तो कोई बात नहीं थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं थे और मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था जो खुदा के कलाम को इतना पढ़ता हो अच्छा। मैं बड़ी बात तो ये करना चाहूंगा सबसे पहले कि ये खुदा के रूह ने मेरे जहन को इस तरफ खुदा के रूह ने किया ठीक है और फिर और ख़ुदा का कलाम वैसे भी पढ़ना हमारे लिए बाएसे बरकत, बाएसे है। बरकत है और किसी को देख कर या किसी के कहने से मैंने किया नहीं और मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा का रूह था जो बचपन से लड़कपन से मेरी तवज्जो मेरी सोच इस तरफ ला रहा था और मैं अब जब इन चीज़ों को देखता हूँ तो मैं इस बात को समझता हूँ कि भले मैं 2011 में पास्टर बना लेकिन इससे पहले मैं ले ले मैन था अपने यूथ का जन सेक्रेटरी रहा सदर रहा क्वायर मेम्बर रहा ग्यारह साल मैंने प्रस्तुश की और एक वक्त था जब आपने बचपन की बात की तो मुझे इतना जुनून था हमारे महल में एक बहन थी तो जब वो गीत गाती तो उस वक्त मेरी एज शायद कोई दस बारह साल की हो तो मैं कहता था कि ये मुझसे छोटी है तो ये गीत गाती तो मैं क्यों नहीं गाता या क्यों नहीं गा सकता तो इस बात ने मेरे अंदर एक बड़ी जुस्तजू एक बड़ी कुत को पैदा किया और मैं प्रस्तुष करना शुरू हो गया और फिर बेशक ये बात मनफी है लेकिन जिस तरह ख़ुदा ने अपने मंदा मूसा को दाऊद को भेड़ों को चराने के लिए तरबियत दी तो एक वक्त था कि जब गांव में होता था तो बड़ा मैं गाने गाता था और हती कि मैं शायरी करता था और मेरे हमारे के बायोलॉजी के टीचर थे जब उनका पीरियड होता तो वो मुझसे बजाय कि हमें पढ़ाएं वो गाने सुनते रहते हैं और, और हमारा मेरा स्कूल में स्कूलों का मुकाबला गानों का वो भी अच्छा। लेकिन उस वक्त मैं समझता हूँ बेशक ये मनफी बात है लेकिन खुदा है। मुझे अपने कलाम को तहरीर करने के लिए भी यानी कर शायरी करने के लिए गीतों की प्यार कर रहा था और उस वक्त मैं जब तालीम हासिल करता उस वक्त से मैंने गीतों की शायरी शुरू की और खुदा के फजल से पाँच सौ से ज्यादा गीत मैं लिख चुका हूँ और खुदा का ये भी बड़ा फजल है और Praise मैंने जब तक 11 साल मेरे जो मैंने जब प्रस्तुष की तो मैंने कभी गीतों की डायरी नहीं बनाई थी hmm. और उस वक्त भी मैं गीत गीत जब गाता था, तो नहीं गाता था था तो जबानी और वो आपके अपने बनाए हुए है नहीं कुछ तो ये था ना कि जो हम प्रस्तुष क्वायर में करते तो ये जो आम गी, गीत जबूर गाए जाते हैं जी। तो इनकी लोग डायरियां बनाते हैं ना जी डायरिया मुझे कोई डायरी नहीं बनाता था मैं सिर्फ अपने गीत जो शायरी करता था ना उनकी डायरिया और मेरे अभी भी डायरियाँ भरी हैं तो कभी मैंने अपनी डायरी नहीं बनाई थी जिस पर यह गीत लिखूँ यह ज़बूर है ये गीत है तो मैं सिर्फ अपने गीतों की शायरी और मतलब जब क्वायर होती जब हम कहीं प्रोग्राम पर जाते तो जो हमारे सीनियर्स थे तो वो कहते कि भाई किसी के पास ज़बूर है तो कहते कि नहीं गेल साहब हमारे साथ हैं

और ये खुदा का बड़ा फजल है दोन बनाई बनाई मेरे जिन में उतरती है प्रेज द लॉर्ड और खुदा मुझे अपने जलाल के इस्तेमाल करता है हालेलुया हालेलुया खुदा उनका शुक्रदा हर करते हैं आपकी बहुत ही अच्छी गवाही है जो आप शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से बचपन से ही आपको खुदा की लगन थी दुआ के वसीला से और फिर आप कलाम भी पढ़ते थे आपको बड़ा शौक था और जुबानी आप इन वो कलाम ज़्यादा पढ़ने की वजह से आपको ज़ुबानी कलाम याद होता था जी आयात याद होती थी और पादरी साहबान जो आपके सीनियर थे वो आपको कॉल करते थे कि जी ये हवाला बताएं जी जी हैं जी ये एक मेरे नाजरी मेरे अंदर ये बात आ रही है कि देखें कि वैसे ये बात बड़ी नामनासिब है लेकिन ये करनी भी चाहिए कि ये ज़्यादा बाइबल पढ़ते थे तो इनको हवाले याद होते थे और पाजी साहबान इनके सीनियर पादरी साहबान शायद वो हमारे शो को देख भी रहे हों इनको कॉल करके पूछते थे, थे कि जी फ़लाँ वाला कहाँ लिखा है हमारा हमें ज़रा जल्दी से बताएं तो इस ये जो बाइबल स्टडी है जो कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है उसकी कमज़ोरी को भी ज़ाहिर करता है कि जो लोग बाइबल को ज़्यादा नहीं पढ़ते उनको हवाले याद नहीं होते तो फिर जब कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ी मुश्किल पेश आती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए तो हम इस गुफ्तु को मज़ीद जारी रखेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ हम वापस आएंगे आपकी तरफ ब्रदर मैथ्यू हमारे साथ मौजूद हैं ये ब्रदर मैथ्यू आप बताइए अपने बारे में आपका इलाका कौन सा है कौन से चर्च के साथ आप खिदमत करते हैं और आपका बचपन कहाँ पे पैदा हुए आ, थोड़ा सा बताइए अपना आपके बहन भाई फैमिली वग़ैरह मेरा नाम मैथ्यू मुनीर है

तो वो हमारे घर के खर्चे नहीं चल सकते थे हम पढ़ते थे तो इतने खर्चे नहीं चल सकते थे जी, है। तो फिर हमारी वालदा जो थी वो बाहर निकली थी जॉब के लिए ताकि मेरे बच्चे पढ़ सकें तो उनकी मेहनत की वजह से आज हम पढ़ सके हैं ठीक है मैंने मैट्रिक स्कूल से ए, किया जी। फिर उसके बाद मैं प्राइवेट कॉलेज में चला गया था तो वहाँ से मैंने एफ ए किया हुआ ठीक है और मेरे भाई जो से ढोल कर रहे हैं अपने अपने चर्चेज में और दूसरे चर्चेज में भी खिदम अंजाम दे रहे हैं जी। और बचपन मेरा सादा ही से था कभी हम शरारी शरारती नहीं थे इतने शरारती नहीं थे नहीं। कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं किया नहीं, नहीं। जैसे पास सब बता रहे हैं वो भी सादा से थे जी। तो हम भी सादा से थे ठीक है स्कूल से घर आते थे घर से स्कूल स्कूल से घर ठीक है जी तो बचपन में आपकी ज़िंदगी कैसी थी मतलब खुदा के साथ ताल्लुक था या नहीं था चर्च जाते थे या नहीं जाते थे दुआ करते थे या नहीं करते थे इसके हवाले से भी जी पास सब छोटे होते तो हम चर्च तो नहीं जाते थे मतलब चर्च जाते थे लेकिन दुआ वगैरह का तो हमें नहीं पता था है। हम वही सादे से स्कूल जाने वाले बच्चे थे मतलब पढ़ाई में ही रहते होते थे तो जैसे हमें होश आई मतलब के तकरीबन बारह तेरह साल के हुए तो हमें पता चला कि मसीह की तरफ जाएंगे तो हमें ज़िंदगी मिलेगी नहीं। नहीं। तो हमने जो सा फिर चर्च रेगुलर जाना शुरू किया दुआ करना शुरू किया और ख़ुदा का शुक्र है और जैसे पास सब बता रहे हैं कि इनकी मदर मतलब हमारी दादो वो इन, इनको कहती होती थी कि सुबह उठ के प्रेयर करो उसी तरह हमारी भी वालते हैं वो सुबह सुबह हमें उठाती हैं वो कहती हैं कि उठो मुहा दो सबसे पहले दुआ करो फिर ही खाना मिलेगा ठीक है जी तो इसी तरह अगर कोई नहीं दुआ करता तो उसे खाना भी नहीं मिलता वो कहती है नहीं अच्छा। खाना नहीं देना जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे जब तक आप दुआ नहीं करेंगे जी बहुत अच्छे बहुत खूब तो आप भी मतलब अपनी वालदा के साथ जो है वो डेली दुआ किया करते थे आज भी वो रूटीन कायम है जी आज भी रूटीन कायम है आज भी आप दुआ करते हैं जी। आमीन आमीन। तो आप ये बताइए कि शुरू से आप दुआ कर रहे हैं कभी आपके जहन में आया कि खुदा जो जिस जो मेरा ईमान है जो मेरा मजहब है उसके बारे में कभी कोई बात आई हो कि मसीह कौन है ये बाइबल जो हम पढ़ते हैं ये खुदा का कलाम है मसीह खुदा उन दुनिया में क्यों आए सलीब पर जान क्यों दी ऐसी बात आपके आपको समझ आती थी शुरू से जब आप दुआ करते थे ये ऐसे सवाल मतलब बहुत से थे मैं मतलब शुरू हुआ था मतलब मसीहत में आना शुरू हुआ था तो मुझे ऐसे बहुत से सवाल आ रहे थे कि मसीह कौन है खुदा कौन है कहाँ पे है खुदा तो ऐसे सवाल बहुत सारे थे जो मेरे इस तरह के आप बाइबल कॉलेज में आओ आपके जो सारे सवाल है वो इधर जो उनसे आपको मिलेंगे उसके जवाब तो अभी मैं बाइबल कॉलेज का आ रहा हूँ खुदा का कलाम सी खुदा पर आपका ईमान मजबूत है जी बिल्कुल जी फ़र्जाना जी तो हमने पास्टर साहब से और भाई से हमने बात की उनसे पूछा उनके बचपन के बारे में उनके खुदा के साथ चलने के बारे में कि किस तरह उन्होंने बचपन में वो किस तरह चलते रहे खुदावन के साथ और किस तरह वो जाने खुदावन को तो हमारे साथ हमारी सिस्टर हैं शमा नाज उनसे भी पूछेंगे कि आप अपने बचपन के बारे में बताएं आपका आबाई गांव कौन सा है आप कहां से ताल्लुक रखती हैं किस चर्च के साथ आप चल रहे हैं ये भी आप बताएँ पहली बात ये तो जिस तरह पास साहब ने बताया मेरा भी गाँव नार वाली है ख़ास नार वाले हैं हम दोनों के तो इनका गाँव का नाम नवादे है मेरे गाँव का नाम रैब है ठीक है कोटली प्लाट में मशहूर उसके साथ रैब है ठीक है मैं उधर की रहने वाली हूँ और फैमिली मेरे भाई जो है चार मेरे भाई और हम दो बहनें हैं सेम ही हमारे फैमिली का है ऐसे तो जो मेरे बहन भाई हैं वो सारे मेरे से बड़े हैं एक मेरा भाई मेरे से छोटा है और शुक्र है खुदा उनका तो हम सब अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं और हमारे जो बहन भाई हैं जो पहले अपनी माँ बाप के घर में उधर भी खुदा उनका शुक्र है तो मैं अपने चर्च के साथ अच्छे तरीके से चलती थी अब जब उसके बाद बचपन पुनः गुजारा है तो वो मेरा बेस्ट गुजरा है तो वाला साहब की हिदायत होगी गु पढ़ी तो मैं नहीं हूँ पर शुक्र है खुदा उनका तो खुदा में हम सब में मजबूत हैं आमीन तो वालदा साहब जो है वो शुक्र गुजारी करते हैं तो वो हमें अच्छी तबीयत दी है तो जो अच्छी फैमिलियों में हमें भेजा ठीक है उसके बाद ये शादी के बाद जो है तो मैं खुदा के शुक्रगुजार हूँ जो फाती दिया अच्छा कदम दिया मुझे जिसके उस जिला से जो मेरी कमी थी वो मेरी पूरी हुई मैं अपने चर्च के जो हमारा सेम ही हमारा चर्च है मैं पास सबकी मिसेज हूँ और जो मेरे बच्चे हैं चार मेरे बेटे हैं और एक मेरी बेटी है जिस तरह साहब ने अपना तारफ सारा करवाया आप लोगों को वैसे ही सेम ही है तो ज़ाहिर हमारी फैमिली है तो चर्च मेरा इधर एक बालटन में है शुक्र है ख़ुदा उनको बहुत अच्छे तरीके से हम अपने चर्च को चला रहे हैं जी तो इसके साथ ही आ, हमारे साथ हैं भाई अब्दिया जॉन हम उनकी तरफ चलते हैं उनसे पूछते हैं कि आप अपने चर्च के बारे में बताएं और अपनी फैमिली के बारे में बताएं किस चर्च से आपका ताल्लुक है ताल्लुक मेरा सोलविन फेथ चर्च इंटरनेशनल से और पास्टर साहब मेरे डैड भी हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये पास्टर साहब हैं तो इनके साथ ही चर्च में खिदमत करते हैं आमीन और शुक्र गुज़ार हैं इनके और ख़ुदा के कि हमें बचपन से ही खुदा की तरफ लेके कर आए और बचपन से ही हमने संडे स्कूल वगैरह में गए चर्च में गए और बहुत कम ही हो के हमने चर्च मिस किए हो अभी भी अपने चर्च में भी खुदा की खदमत करते हैं और दूसरे चर्च में भी जाते हैं और साथ मेरे कज़न होते हैं उन्होंने बहुत मुझे इस तरफ लाए कि आप वर्शिप की तरफ आओ और इनका भी बहुत ज़्यादा हाथ था और मुझे जो इन्होंने स्टूडेंट करवाया वो भी पास्टर हैं जिनका मैं स्टूडेंट हूँ तो वो भी हमें खुदा के बारे में बताते रहते हैं तो बचपन में हम लोग ज़रा अभी अभी भी बचपन ही है शरारती कभी कभार कर लेते हैं तो स्टडी मेरी अभी मैट्रिक कर रहा हूँ आगे जो खुदा की मर्ज़ी होगी जी तो हमने भाई अबिया जो उनसे बात की उन्होंने अपना बताया अपने बचपन के बारे में और अपने चर्च के बारे में कि वो किस चर्च से ताल्लुक रखते हैं तो इसके साथ ही हम बिशप साहब की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी अजीज़ो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं खुदा के खादम पास्टर नज़ीर मसीह की तरफ फिर से और पूछते हैं उनसे कि आपने बड़ी अच्छी बातें की लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि आपने अपनी ज़िंदगी खुदांद को मुकम्मल तौर पे दे दी या शुरू से ही बस ये चल रहा था कि शुरू से आपने खुदाउंद को ज़िंदगी दी लेकिन बपतिस्मा तो भी तो आपने लिया होगा तो कौन सी ऐसी बात ने आपको मोटिवेट किया कि आप मुकम्मल तौर पे फिर खुदांद को अपना आप अप सुपुर्द कर दें और बपतिस्मा लें आ, कौन सा ऐसा दिन था ये कब की बात है थोड़ा सा इसके बारे में बयान करें शुक्रिया बिशप साहब जैसे मैंने पहले बात की है बेशक मैं शुरू से बचपन से लड़कपन से खुदा के साथ था जी, लेकिन जैसे जैसे मैंने कलाम को पढ़ा खादमों से तालीम पाई कि सिर्फ दुआ करना गीत गाना इबादत कर लेना निजात नहीं है जब तक मुझे अपने गुनाहों पर नदामत ना हो मैं तोबा ना करूँ बपतिसमा ना लूँ और जैसे मैंने पहले बात की है ये उस वक्त होता है जब हम कलाम को पढ़ते और सुनते हैं आमीन और फिर खुदा के कलाम को सुनने से हमारी जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जी। और जैसे आपने कहा कि फिर आपने बपतिसमा कब लिया कब तोबा की जी। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है छः अगस्त सन दो हजार की बात है दो हज़ार की बात जब मैंने बपतिसमा लिया और बपतस्मा लेने के बाद भी तकरीबन एक आदमा उस तौर से मैं ईमान में मजबूती के साथ खुदा के साथ ना चला लेकिन अक्टूबर सन 2000 में मेरे जो लीडर्स थे उन्होंने फिर हमें दुआया मीटिंग्स में लेकर चलना शुरू किया और हम हर रात को एवरी नाइट 10 से 12 बजे तक हम दुआया प्रोग्राम करते और फिर चंद दिन हुए थे इस दुआया प्रोग्राम को शुरू किए फिर खुदा के से मैं भर गया, हा। और इस तरह मुझे रू का भी हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता मैं जा, जैसे जैसे खुदा के कलाम को सीखता गया जी, इबादत में बढ़ता गया जी। और खुदा के कलाम में से मुझे बरकत मिलती गई खुदा का रू मेरे जहन को खोलता गया हुँ। और मैं फिर मजीद खुदा में बढ़ता गया आमीन। जी। आ, बड़ी अच्छी आपने गवाही दी बताया लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि वो बात जिसने आपको बदल दिया और आपने बपतस्मा लेने का फ़ैसला किया ठीक है ठीक है कि उसके बाद भी थोड़ी सी कमज़ोरी रही आपने एक महीने के बाद फिर दुआया, रूटीन शुरू हुई तो फिर आप रूल खुद खुद उसका बपतस्मा भी आपको मिला लेकिन वो कौन सी ऐसी बात थी कि आपने कहा कि मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ और पानी का बपतस्मा लेना चाहता आप यूँ इस तरह आ, कह सकते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए कि जो हमारे लीडर थे भाई मुश्ताक साहब जी तो वो चूंकि हमें प्रस्तुश में भी लेकर बैठते और हम उनके साथ मिलकर प्रस्तुष करते तो उन्होंने इस बात के लिए मुझे फोर्स किया एक तो ये था कि खुदा करू काम कर रहा था जी, जो बड़ी मौतबेर बात है ठीक है ठीक है और सेकंड बात यह है कि जो हमारे सीनियर थे भाई मुश्ताक वो जो हमें प्रस्तुश में लीड करते थे तो उन्होंने भी मुझे इस बात के लिए कायल किया जी कलाम को भी सुनते थे और फिर उन्होंने मुझे इस बात के लिए कायल किया कि आप बपतिस्मा लें बपतिस्मा लें एक तो हम खुदा का कलाम भी सुन रहे थे जी और फिर ये था कि उनकी भी रहनुमाई मुझे हासिल हुई रहनुमाई आपको हासिल हुई और इस तरह मैंने फिर बपतिस्मा लिया और जैसे मैंने कहा कि जब मेरा बचपन लड़कपन था तो उस तरह का नहीं था कि आम जिस तरह के लड़के होते हैं जी शरारती वगैरह अगर मैं ये कहूँ कि मैंने तोबा करके सिर्फ दो तीन चीजें छोड़ी हैं जी तो ये भी कोई बेजा बात नहीं होगी तोबा करके मैंने ये गाने लिखने बंद कर दिए जी और ये ए, क्या कह सकते हैं कि और थोड़ी सी कोई गुनाह की बात नजर की बातें या फिल्में देखना बंद कर दी बाकी मेरे अंदर मोहब्बत प्यार तरस कलाम को जानना समझना खुदा की बंदगी इबादत करना ऑलरेडी था ऑलरेडी था ये जी। और टर्निंग पॉइंट ये कर लें कि जब मैंने बपतिसमा ले लिया तो फिर मुझे पता चल गया कि अब मैंने जिंदगी यसू के नाम कर दिया और तब से मेरी फिर जिंदगी रोज बरोज खुदा में बढ़ती मजबूत होती गई बदलती गई प्रेज प्रेज द द लॉर्ड लॉर्ड तो उसके बाद जब आप बपतिसमा आपने ले लिया फिर कुदुस का गुदा भी आपको हो गया जी। जी। तो फिर आप खादम कैसे बने पास्टर कैसे बने आप और कितने अरसे के बाद और पे ये हुआ जैसे आपने सवाल किया है कि आप क्योंकि कर... क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ लेकिन ये जो है एक खास बुलाहट होती है जी जी हर कोई पादरी नहीं बन सकता जी बिल्कुल हर कोई जो है वो खुदा का खादम नहीं बन सकता जी बिल्कुल हर कोई गवाह तो बन सकता है जो कोई भी जिसने मसीह को जिंदगी अपनी दी हो वो गवाह तो हो सकता है जी जी। लेकिन खिदमत का तोड़ा जो है जी जी ये अलग से होता है जी बिल्कुल ठीक है ये हर एक को नहीं मिलता जी जिसको खुदा बुलाता है उसी को ये मिलता है और बाकायदा तौर पर खुदा गाइड करता है कि आपने मेरी खिदमत करनी है आपने कलाम की मुनादी करनी है तो ये कैसे हुआ ये कब हुआ ये सवाल आपने किया ये इसका जवाब मैं समझता तो हूँ काफ़ी गहरा है जी जैसे मैंने शुरू में बात की कि लड़कपन से बचपन से जब मैं गांव में भी था जी उस वक्त भी मोहल्ले में मैं कई बीमारों पर दुआ करने जाता कई फैमिलीज़ में कई दफ़ा त्यौहारों पर कलाम सुनाता वो उस वक्त मेरे पास बाइबल का बेशक ज़्यादा इल्म नहीं था जी। लेकिन जब मैंने बपतिस्मा लिया तो उस वक्त से जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे घरों में विजिट के लिए भेजना और कई दफ़ा संडे मीटिंग्स में भी उस वक्त उन्होंने मुझे कलाम सुनाने के लिए कहना फिर मैं अपने सीनियर्स के साथ विज़िट करता रहा दूसरे जो इवेंट्स होते उसमें मैं कलाम सुनाता गया और जब उन्होंने इस बात को भांप लिया कि इस बंदे के अंदर खिदमत है और खुदा इस बात को वाजिया करता गया और फिर पांच अक्टूबर दो हजार ग्यारह को ऑर्डिनेशन किया गया कहां किन... पर हुआ किस शहर में कॉलोनी में इस्लामा में। इस्लामा जो है ईसानगरी ईसा नगरी कॉलोनी वहां पे लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उन्होंने तो ये देखा आपने कलाम आप सुनाते रहे आप आप घरों में विजिट करते थे आप दुआ करते थे लेकिन आप आपने खुद भी ये जज किया ये भांपा कि पहचान आपको हुई कि जी खुदा मुझे खिदमत देना चाह रहे है ये भी सवाल मैं समझता तो हूँ काफी गहरा है जो आपने किया ये बहुत जरूरी है खुदा किसी से खिदमत लेना चाहता है तो जैसे मैंने पहले तो बात की थी के बुज़ुर्ग दउ को बुज़ुर्ग मूसा को और दूसरे अपने उसने लोगों को मुख्त तरीक़ों से पहले दुनियावी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जी जी और जब मैं विज़िट की खिदमत करता था तो उस वक्त भी मुझे पता था कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है क्योंकि मेरे अंदर कलाम की खिदमत थी और मैं इस बात को भी समझता हूँ भले मैंने बड़ी कोशिश की कई मरतबा कि मैं हारम सीखूँ मैं शायरी भी करता रहा लेकिन खुदा ने इस बात को मेरे अंदर बड़े गहरे तौर से जाना कि खुदा मुझे अपने कलाम का खादिम बनाना चाहता है और उसने ऐसा किया और ज, खुदा की जो मर्जी होती है जैसे कलाम मुकदस में पढ़ते हैं तजर्बात से बिजार होती है फिर चीज़ों से नजर आती है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है तो खुदा अपनी मर्जी को अपनी इस खिदमत के जिया से मुझ पर ज़ाहर करता गया और इस बात को भी मैं बयान कर दू जब मैं लड़पन में था जब तो उस वक्त से मुझे पता था उस वक्त से मैं पता था कि मैं एक दिन खादि बनूंगा आमीन। और जैसे जैसे मेरे तजर्बा खुदा के कलाम को जानने में बढ़ते गए जी। मैं अपने कामत में बढ़ता गया वैसे वैसे खुदा अपनी मर्जी को अपनी खदमत को अपनी बुलाहट को और वाजा तौर पर जाहिर करता गया नहीं। नहीं। और मैं समझता हूँ कि खुदा की ये मर्जी थी कि वो मुझे अपने कलाम का खादि बनाएन प्रेज द लोड ये यही बात में जानना चाह रहा था बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे ये बात बड़ी गौरतलब भी है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ख़िदमत खुदा की तरफ से नहीं मिली होती उनको बुलाहट नहीं होती उनको ख़ुद भी पता होता है लेकिन वह फिर भी ख़दमत में आ जाते हैं तो मेरे अजीजों ये बड़ा ज़रूरी है कि पता हो आपको कि आपको खुदा ने ख़दत के लिए बुलाया है ठीक है आपको खिदमत दी गई है खुदा की तरफ से तो ये चीज होना बहुत जरूरी है तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपकी इस बुलाहट के लिए खुदा ने आपको बुलाया है आप चुने गए हैं बारूनकदस में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुक्र किया है आमीन तो इस आपकी जो गवाही है आप, आप जो बता रहे हैं उससे ये जाहिर होता है कि खुदा ने जो है वो आपको इस खदमत के लिए चुना है आमिन आमिन खुदा बरकत दे। जी अब हम चलेंगे हमारे भाई मैथ्यू की तरफ ब्रदर मैथ्यू आप ये बताएं कि आप अब दुआ करते हैं रूटीन के साथ आप अब बाइबल भी पढ़ते हैं आप खुदा को ज्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं जी, जीशभ साहब मुझे बाइबल पढ़ने का बहुत शौक है मैंने बायदा अपने लिए एक बाइबल खरीदी हुई है mm. मैंने पैसे इकट्ठे करना शुरू किया एक बाइबल की दुकान पे मैं गया वहाँ पे मुझे एक बाइबल बहुत ज्यादा पसंद थी जी तो मैंने पैसे इकट्ठे करना शुरू किया कभी कहीं से इकट्ठे कर वो मेरे दिल में लगन थी कि मैं ये वाली बाइबल जरूर खरीदूंगा तो मैंने तकरीबन चार माह या पांच माह के दौरान पैसे इकट्ठे किए और वो जाके मैंने बाइबल ख़रीद दी थी जी और बाइबल भी पढ़ता हूं और रेगुलर दुआ भी करता हूँ खुदा आपको बड़ी बरकत दे आपके साथ हमारी दुआ है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुदा को जाने और पहचाने और फिर खुदा आपके ऊपर अपनी मर्जी को ज़ाहिर करे आमीन आमीन जी तो हम इसके साथ ही अपनी बहन की तरफ चलेंगे शमा नाज की तरफ और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने खुदावंत को कब कबूल किया कैसे कबूल किया क्या वो चीज़ थी जिसने आपको आपके दिल को टच किया कि आप यसु को कबूल करें थैंक यू खुदावंत के शुक्र गुज़ार हैं तो जिस तरह पहले मैंने बताया तो मैं घराना में से और इससे मज़ीद जब मैंने खुदांद को कबूल किया वो पास्टर साहब के वसीला से किया शादी के बाद जब मैंने इधर अपने ससुराल फैमिली में आई और मज़ीद मैंने शादी के बाद इनके साथ तामर्रा ऐसे रबते में हम अच्छे तरीके से खुदा उनके साथ हमने प्रसिश भी मैं करती रही अपने चर्च इधर भी कर रही हूँ अभी तक भी कर रही हूँ शुक्र है खुदा उनका और मैं खुद भी मीटिंग लेट भी कर रही हूँ और बतुषमा जब मैंने लिया तो इनके वसीला से मैं और ज़्यादा मज़ीद खुदावन में आई और इनसे ही मैंने बतस्मा लिया जी तो आ, आप यानी कि आपने जब खुदा को उससे पहले आप यानी कि बाइबल स्टडी करती थे या आप आप, आप जानना चाहते थे कि मैं जानूँ खुदादी के बारे में किसी ये पास्टर ये तो के वसीला से या किसी खादमा के वसीला से नहीं मज़ीद तो यही था तो मैं पहले भी चर्च के साथ तामन था तो अब तो मजीद ज़ाहिर है जब मैं खादम के साथ हूँ तो फिर मैं

बपतिस्मा लेने के बाद आपको कितनी देर बाद आपको पाक रूह का मैं बहुत खुश नसीब हूँ मुझे पानी में ही बात उसमें गैर जबान में मिल गई थी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बहुत अच्छे बहुत अच्छी, अच्छी। गवाई बहन ने शेयर की हमारे साथ अपनी तो हम इसके साथ ही भाई अब दिया जॉन की तरफ चलते हैं आप बताएंगे भाई आपने खुदा यीशु को कैसे कबूल किया हम संडे की बात में बैठे थे तो तीन चार संडे से पास्ता साहब ऐलान कर रहे थे कि जिन्होंने बपतिस्मा लेना है अपना हाथ खड़ा करें तो मैंने उन्हीं बातों में तो नहीं था किया मगर जब हम ये पास्ता साहब के साथ गए बपतिस्मा देने तो उधर जब बपतिस्मा दे रहे थे तब खुदा ने मुझे कहा कि तुम्हें भी लेना चाहिए तो जब मैं पानी में उतरा तो पास्ता साहब भी हैरान हो गए कि सुबह तक तो आप एक् नहीं थे तो एक दाम ही फिर उनके लिए भी हैरानगी की बात थी मेरे लिए भी कि एक दाम ही खुदा ने दिल में यह बात उतारी के मैं भी बपतिस्मा बपतिस लूँ hmm. तो आपको पाक बपतिस्मा भी हुआ नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ hmm. तो आप दुआ करते हैं इसके लिए बाइबल स्टडी करते हैं दुआ करते हैं जी बाइबल स्टडी भी और बाइबल स्टडी भी कर रहे हैं और जैसे भाई बता रहे थे कि हम सारे एक ही कॉलेज में होते हैं सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज में और उसी में खुदा के कलाम को जानने के लिए हम जा रहे हैं ताकि खुदा और हमारे जहनों को खोले अपने कलाम की समझ बूझ दे और गैर कौमों में हम इस्तेमाल करें अपने कलाम के लिए जी तो हमने बहुत अच्छी गुआई सुनी बहन से भी भाई से भी कि किस तरह उन्होंने खुदा सुनसी को कबूल किया और हम इसके साथ ही बिशप साहब की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी आ, मैं ये चाहता हूँ खुदा के खादम पास्टर नज़ीर मसीह आप हमारे साथ कोई कलाम की आयत शेयर करें कोई पैगाम नाजरीन के लिए आपके पास हो वो शेयर करें आप शुक्रिया जी बिल्कुल शुक्रिया बिशप साहब हम चंद मिनट खुदा के कलाम की तरफ हालेलुगी। आएंगे हालेलुगी। और जैसे ये शो भी है डिसाइपल्स के तलक से जी तो योहन्ना की अंजील को हम खोलेंगे बड़ी मशहूर आयत है जी तो मुकद्दस योहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई ये सुमसी की अंजील उसका तेरवा बाब और चौंतीसवीं और पैंतीसवीं ये दो आयात खुदा के कला में से हम पढ़ेंगे मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो इस कलाम से मैं बरकत दे आमीन। आमीन। तो बिशप साहब ये उस रात की बात है जिस रात य आखिरी फसा खा रहे थे पकड़वाए जाने को थे जी तो जहां पर यसुम ने और बहुत सारी तालीमत रात दी और सतरे बाप को जब पढ़ते हैं तो यसुम की वो बहुत अपने लोगों के लिए शागिर्दों के लिए बड़ी बारकत दुआ तो वहीं पर यसुम ने अपने शागिदों से कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ और एक नया हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है जी वैसे तुमने आपस में मोहब्बत रखनी है जी। तो जब हम खुदा के लोग हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि यसुम ने जब हमसे मोहब्बत रखी तो उसकी मोहब्बत में किसी चीज की कमी नहीं थी बिल्कुल और ये मोहब्बत इतनी उत्तम थी कि इस मोहब्बत में उसने अपनी जान तक हमारे लिए दे दी आमीन। और कलाम लिखा शायद कोई रास्तबाज किसी रास्तबाज के लिए जान दे लेकिन यसुम खुदा का बेटा हम गुनेगारों के वास्ते कुर्बान हुआ है जी। और उसने इस हुक्म को एक नया हुक्म दिया है जी। और यह काम उसने करने को कहा है हुक्म के तौर पर और कहा यह एक नया हुक्म देता हूं कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है वैसे तुमने आपस में मोहब्बत रखनी है जी। और इसमें कोई बेजा बात नहीं है और हम इस बात से मुनकर भी नहीं हो सकते कि भले हम खादम इकट्ठे बैठते हैं क्लसियाएँ एक जगह इबादत करती हैं ख़ानदान एक जगह एक छत के नीचे रहते हैं जी तो भी ये बात कसरत से दिखने को मिलती है जी कि हमारी मोहब्बत में उस तरह से चाहत नहीं होती जिस तरह से मसीह चाहता है जी हमारी मोहब्बत खालस नहीं होती जी और अगर ये कहा जाए हमारी मोहब्बत कई मरतबा शहर बीवी की बहन भाइयों की पास्टर्स की कलिसिया की खादमीन की एक गर्ज की मोहब्बत तक महदूद होती जी कई मरतबा हम खादमीन भी किसी काम की किसी मतलब की गर्ज से एक दूसरे से मब्बत करते हैं जी और आप भी खादि हैं कई दफ़ा क्लिसिया खादम से दुआ करवाने की गरज तक जी अपनी माली सपोर्ट हासिल करने की गरज तक जी रूहानी सपोर्ट हासिल करने की गरज तक तो मब्बत दिखाती है जी लेकिन जब कभी खादिम कलिसिया को अपने साथ किसी मुसीबत में खुदा के लिए खड़ा होने को कहें जी खेत में काम करने के लिए कहें तो कलसिया खादिम के साथ खड़ी नहीं होती और ये मोहब्बत नहीं होती और ये भी मैं कहना चाहूँगा कलसिया ये चाहती है कि खादिम मेरे साथ हर तरह से तोन करे सपोर्ट बने लेकिन चूँकि खादिम भी इंसान होते हैं उनको भी कलिसिया की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत रहती है पैसे की हो रूहानी हो मुआशी अखलाक हो तो उस वक्त अगर हम एक दूसरे की मोहब्बत करने से का रहते मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं होते तो इसका मतलब है कि मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं, नहीं है।, है और फिर यसुम ने एक बात और भी वाजिया कर दी जी। भले हम अपने आप को मसीह के शागिर्द कहते हैं जी। और ये जिस रात यसुम ने बात की उसी रात ये बात शागिर्दो पर जाहिर भी हो गई जी उसने कहा अगर तुम आपस में मोहब्बत रखो तो उसी रात एक तो यहूदा ने मोहब्बत करना छोड़ दी जी उसकी मोहब्बत मसीह बदल मोहब्बत उसके बदल जिंदगी में जार नहीं हुई और फिर जब शागिर्द एक दूसरे को छोड़कर भाग गया अपने घरों में और कलाम में लिखा है जब यसुम को पकड़ा गया तो शागिर्द भाग गए ऐसा ही है। तो यसुम ने कहा कि अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो जी। या दुनिया देखे कि वाकई ये लोग मसीह के हैं तो तुम्हें आपस में मोहब्बत रखने रखनी ऐसी मोहब्बत दुनिया जैसी नहीं जैसी, जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है जैसे युना की जील में फरमाते हैं वो इतमान जो दुनिया देती है उस तरह का नहीं मैं अपना इतमान देता हूँ और मसीह का इतमान कलाम में लिखा है हमारी सोच से बालाता है, और मसीह का इतमान हर तरह की कमजोरियों से हमें बचाता और छुड़ाता जी, है जी, तो जब सक... मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर होगी तो तब लोग फिर जान जाएंगे

पैसा साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया मोहब्बत के हवाले से कि अगर हम मसीह के सच्चे शागि बनना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए आ, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए दरगुजर करना चाहिए तो ये पैगाम जो है ये एक ख़ास पैगाम है ख़ुदा की तरफ़ से उन लोगों के लिए जो मसीह को मानते हैं जो मसीह के फॉलोअर हैं मसीह खुदावन ने कहा कि इसी से लोग जानेंगे गैर कौमें जानेंगी कि तुम मेरे शगिद हो जब तुम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखोगे अले लिया तो ये बहुत ज़रूरी है हम आपके बड़े ही शुक्रगुज़ार हैं भाई साहब मेरे अजीज़ों हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए अपने मेहमानों के लिए और मेरा ईमान है कि आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा आ, इन गवाहियों के वसीला से और अच्छी अच्छी बातों के वसीला से एक मतबा फिर हम आपके साथ एक नई एपिसोड के साथ और नए मेहमानों के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे जैसा कि आपको पता है हमारे प्रोग्राम का नाम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट मसीह के शागिद देखते रहिए गुड शेपर टेलीविजन गॉड ब्लेस यू